गाइज आज मैं आपको टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 20,000 के अंदर प्राइसिंग में देखने को मिलेंगे सैमसंग की तरफ से। अब वैसे तो काफी सारे स्मार्टफोन 20,000 की प्राइसिंग में आपको देखने को मिलते हैं, बट मैंने सैमसंग के स्मार्टफोन को ही क्यों चुना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है सैमसंग स्मार्टफोन की क्वालिटी। दोस्तों जो सैमसंग के स्मार्टफोन में फीचर मिलते हैं वो काफी लंबे समय तक काफी बढ़िया वर्क करते हैं और इसी वजह से मैंने सैमसंग के स्मार्टफोन को चुना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए आज 20,000 की प्राइसिंग में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन को आपके लिए सिलेक्ट करा है और इन सभी स्मार्टफोन को सिलेक्ट करना काफी मुश्किल था क्योंकि 20,000 की प्राइसिंग में काफी स्मार्टफोन आते हैं और सभी स्मार्टफोन को एक दूसरे से कंपैरिजन करना पड़ा और आपके लिए मैंने बेस्ट से बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट करे हैं जिसमें आपको कैमरा क्वालिटी से लेकर डिजाइन परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मिले। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी एक बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 20,000 की प्राइसिंग में तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारी लिस्ट नंबर 5 पर आता है गैलेक्सी M14 5G और F14 5G। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्पेक वाइज कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, डिजाइन में बस थोड़ा सा चेंजेस है। M14 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और F14 में डुअल कैमरा सेटअप है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग और डिजाइन के अकॉर्डिंग दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं M14 के स्पेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस वाला 90 हर्ट्ज के साथ PLS LCD पैनल मिलता है जो ड्रॉप नॉच B पैनल है। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन, साइड माउंट और फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सैमसंग के एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 मिलेगा जो की बनवाई 5.1 पर आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। उसके साथ ही इस फोन में आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगा जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और तीसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिलता है। वहीं फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। फाइनली गाइस बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, तो दोस्तों जो इसका बेस वेरिएंट है यानी कि 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट वो आपको 14,990 में देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A14 5G। सो गाइस अगर आपका बजट 15,000 से 16,000 के आसपास है तो इस बजट रेंज में आपको A14 5G देखने को मिल जाएगा जो कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर आपको अच्छे कैमरे के साथ साथ अच्छे डिजाइन भी देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस वाली PLS पैनल मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही में आपको डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन, साइड माउंट और फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5 ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और बनवाई 5 पर वर्क करते हुए देखने को मिलता है। वहीं इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी और 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस फोन में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और तीसरा सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको LED फ्लैश के साथ HDR का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है इस फोन में। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों जो उसका 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 16,499 में देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारी लिस्ट नंबर 3 पे आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23। सो गाइस अगर आपको 15,000 के बजट रेंज में वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर के साथ तगड़ी कैमरा क्वालिटी मिल जाए, 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाए, तो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल मिलता है जो कि एक इन्फिनिटी यू वाली डिस्प्ले है। वहीं इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन, साइड माउंट और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करी जाए इस फोन के, तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 750G का पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 12 और बनवाई 4.1 के साथ आता है। इस फोन में भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जिसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिलता है। वहीं सेल्फी शूटर की बात करें
तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की। तो दोस्तों जो इसका 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट है वो आपको 15,999 रुपए में देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर सेकंड पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A23। तो गाइस अगर आपको कोई लेटेस्ट सैमसंग की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन चाहिए 20 से 22 हजार के बजट रेंज में, तो आप A23 के साथ जरूर जा सकते हैं जिसकी प्राइसिंग 20 हजार से थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं A23 5G के स्पेसिफिकेशन की। तो इस फोन में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस वाली PLS LCD मिलती है। ये भी एक ड्रॉप नॉच वाली पैनल है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर वर्क करेगी। इस फोन में आपको गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन और 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलता है। साथ ही में आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। गेमिंग के लिए इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 12 और वन वाई 5 के साथ आता है। इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी और 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। बात करी जाए इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा विद OIS के साथ। वहीं इस फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। वहीं सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की। तो जो इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट वो आपको 22,999 रुपए में देखने को मिल जाता है। उसके बाद फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M33 5G। सो गाइस अगर आपको कोई एक बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए 20,000 की बजट रेंज में, तो आप M33 के साथ जरूर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस वाली एक TFT पैनल मिलती है। ये भी ड्रॉप नॉच बी वाली पैनल है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको साइड माउंटर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1280 का प्रोसेसर जो है देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर आता है जो कि वनवाई 4.1 पर आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, तो इस फोन में आपको 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पर भी आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। फाइनली बात करी जाए इस फोन के प्राइसिंग की, तो दोस्तों इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट है वो आपको 16,999 रुपए में जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये टॉप 5 स्मार्टफोन आपको कैसे लगते हैं आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, और आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया है आप ये भी मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।